हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे क्लाट टैबलेट के बारे में, जो कि ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है यह दवा। आगे जानेंगे और इसका यूज किस परेशानी में किया जाता है और कितना डोज होता है इसको लेने का, दिन में कितने टाइम चलता है, कितने दिन तक लिया जाता है, और ये भी जानेंगे इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं शरीर में, और लास्ट में जानेंगे इसको लेने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बन रही वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि डिटेल रिव्यू करने वाले हैं क्लाट टैबलेट के बारे में। आइए बात करते हैं क्लाट टैबलेट के बारे में। तो यह दवा जो कि आप देख रहे हैं, यह श्रीनिवास लेबोरेटरीज कंपनी का दवा आता है, जो कि 160 रुपये मार्केट प्राइस है ये 10 टैबलेट का, जो कि एक टैबलेट आपको 16 रुपये का पड़ेगा। और बात करें तो इसका इंजेक्शन भी आता है मार्केट में। बात करें तो इसमें जो दवा होता है वह होम्योस्टेटिक्स ग्रुप का दवा होता है, जो कि ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। आइए जानते हैं इसका यूज किस परेशानी में किया जाता है। तो इसका यूज जैसे कि महिलाओं में पीरियड के समय ज़्यादा ब्लड गिरते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और जो महिला अपनी डिलीवरी टर्मिनेट कराती हैं और उसमें ब्लड ज़्यादा गिरते हैं तो उसमें इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और जैसे कि दांत उखड़ा रहा है या कहीं शरीर पे ऑपरेशन हुए हैं तो उसमें ब्लड गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गया है और ब्लड गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि नाक से ब्लड आते हैं किसी कारणवश तो उसमें इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि डॉक्टर काफ़ी भरोसेमंद दवा है, बहुत पुरानी दवा है, जो कि ब्लड रोकने का काम करता है। ये सब यूज है जो कि ब्लड को रोकने का काम करता है। ये दवा क्या करता है, जहाँ पे कटा पिटा है या जहाँ से ब्लड गिर रहा है तो वहाँ पे जाके ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, जिससे कि ब्लड गिरने का चांस कम हो जाता है और ज़्यादातर रुक जाता है ब्लड और ठीक हो जाता है परेशानी। ये सब यूज है क्लाट टैबलेट के बारे में। अब जान लेते हैं इसका डोज कितना होता है। तो इसका डोज डॉक्टर की निगरानी में लिया जाता है। अच्छा रहेगा कि डॉक्टर की निगरानी से ही डोज लिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताते हैं। जैसे कि बड़ा व्यक्ति है तो उसको एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को, चाहे महिला हो या पुरुष, दिया जाता है सुबह शाम, और ये एक दिन से लेकर 3 दिन तक चलता है, और उतने दिन ब्लड रुक जाता है तो ठीक है, और नहीं रुकता है तो उसके बाद डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अब जान लेते हैं इसके लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं। तो इसको लेने के बाद अगर नौजिया, वोमिटिंग, स्किन पे एलर्जी, स्किन पे खुजली, लाल चकत्ता दिखाई देने लगे, घबराहट होने लगे और पेट में ज़्यादा कब्ज बनने लगे, ये सब परेशानी इनमें से कोई भी दिखाई दे आपको तो डॉक्टर से ज़रूर जाके बोले अपने। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए इसको लेने से पहले, तो इसको लेने से पहले प्रिकॉशन ये है कि आप डॉक्टर से राय लेके तभी लें, क्योंकि यह प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि डॉक्टर की निगरानी से लिया जाता है। और जैसे कि कोई व्यक्ति को कोई डिजीज है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, ऐसी कोई परेशानी है तो उसको देने से पहले डॉक्टर से राय लेकर तब दें। और कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फीडिंग करा रही है तो उसको देने से भी पहले डॉक्टर से राय लेकर तब दें। और प्रिकॉशन ये है कि इसको लेने के बाद अल्कोहल बिल्कुल ना लें। ये सब प्रिकॉशन है, और ये रही पूरी जानकारी क्लाट टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छा लगा हो आपको। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से मेडिसिन के बारे में रोज जानकारी मिलता है इस चैनल पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।